नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हुई, ये 13 महीने का हाईएस्ट लेवल। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है, यह महंगाई का 13 महीने का हाईएस्ट लेवल है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। मार्च 2024 में थोक महंगाई दर 0.53% रही थी, फरवरी में 0.20% और जनवरी में 0.27% थी। ईडी ने कहा, दिल्ली शराब नीति केस में आपको आरोपी बनाएंगे। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपको भी आरोपी बनाने की बात कही है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई सिर्फ लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ट्रायल के दौरान उनसे कोई सवाल नहीं होते। एमपी के कई जिलों में बारिश, ओले भी गिरे, 16 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी अचानक मौसम बदल गया, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, कहीं कहीं ओले भी गिरे। प्रदेश में गुना, अशोकनगर, विदिशा, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और बैतूल के मुलताई में मंगलवार दोपहर को तेज आंधी के साथ पानी गिरा। मनावर में आंधी बारिश से केले की फसल को नुकसान पहुँचा है। संदेश खाली में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन शोषण केस से जुड़े वायरल वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। महिला वकील उदयादित्य बैनर्जी ने याचिका लगाकर मौजूदा हालत को लेकर एसआईटी जांच की मांग की है। संदेश खाली मामले में नया वीडियो 12 मई को सामने आया था। इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष गंगाधर कायल, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली 70 महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात कहता नजर आ रहा है। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी गिरफ्तार हो गई है। मंदाकिनी के अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही चिमनगंज मंडी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया था, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूछताछ और जाँच के बाद पुलिस मंदाकिनी को कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकीलों का काम अलग, वकालत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकालत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आती। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के 2007 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि वकीलों की सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2(o) के तहत आती हैं। कोर्ट ने कहा कि खराब काम की वजह से वकीलों पर कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। इंदौर लॉ कॉलेज में हिंदू विरोधी किताबें मिलने के मामले में निलंबित प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। इंदौर के लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में हिंदू विरोधी किताबें मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई और FIR को रद्द कर दिया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर इमानुर रहमान इसी महीने के आखिर में रिटायर होने वाले हैं। हाई कोर्ट के इंदौर बेंच से याचिका निरस्त होने के बाद प्रिंसिपल ने इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। 6 साल के बच्चे की एसिड पीने से मौत, पानी समझकर पिया, फेरी वाले से लिया था। इंदौर में 6 साल के बच्चे की एसिड पीने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 मई को परिजन ने फेरी वाले से एसिड लेकर घर में खरीदा था, बच्चे ने पानी समझकर पी लिया। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो, बच्चे का MY अस्पताल में इलाज चल रहा था, यहाँ सोमवार को उसकी मौत हो गई। IPL में आज दिल्ली वर्सेस लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच में जीत जरूरी। IPL में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जाएगा। दिल्ली के 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार से 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन पिछले मैच में खराब रन रेट के कारण 6ठे नंबर पर है। उससे क्वालिफाई करने के लिए लखनऊ को हराने के साथ बाकी मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर लखनऊ के पास जीत कर 4थे नंबर पर जगह बनाने का मौका है। टीम के 2 मैच बाकी हैं, अगर टीम दोनों जीती तो 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकती है। मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन किया, प्रस्तावकों के साथ खड़े रहे। DM ने बैठने के लिए कहा, तब कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 प्रस्तावक और
सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। प्रस्तावकों में गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर शामिल रहे। गणेश्वर शास्त्री ने ही राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था, जबकि अन्य तीन स्थानीय भाजपा नेता हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।